नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट फाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। उपराज्यपाल ही दिल्ली के असली बॉस हैं और दिल्ली सरकार को हर फैसला उनकी इजाजत से लेना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि उपराज्यपाल ही दिल्ली के संवैधानिक प्रमुख हैं और उनके पास ही संवैधानिक अधिकार हैं। दिल्ली सरकार कोई भी फैसला उपराज्यपाल की अनुमति से ही ले सकती है और इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने उन सारी अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया है जिस पर उपराज्यपाल की मोहर नहीं थी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लिहाजा उपराज्यपाल ही संवैधानिक प्रमुख हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने जरूर कहा कि दिल्ली सरकार सिर्फ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति ही अपनी मर्जी से कर सकती है। इस एग्रीमेंट वाले फैसले को प्रेसिडेंट के पास अल्टीमेट डिसीजन के लिए भेजेंगे और जब तक वो डिसीजन नहीं आएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द मीन टाइम इंटरवीनिंग पीरियड के लिए जो फैसला लेंगे वो फैसला मान्य होगा। संविधान में ऐसे लिखा है कि आपको अप्रूवल ही लेनी पड़ेगी एलजी से, तो इसलिए जो भी आपने अप्रूवल नहीं ली वो गैर संवैधानिक है, इसलिए वो सब रद्द माना जाएगा। आज के दिन यूनियन टेरिटरी माने जाएंगे और जब तक आप अप्रूवल एलजी से नहीं लेंगे किसी नोटिफिकेशन का वो सब इल्लीगल है। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, अधिकारों की लड़ाई में हाईकोर्ट से केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। आज हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जी बिल्कुल, अगर कोर्ट के फैसले की बात की जाए तो कोर्ट ने मुख्य तीन बातें स्पष्ट की हैं कि दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एलजी है, यानी उपराज्यपाल दिल्ली के प्रशासनिक प्रमुख है। दूसरी बात, सर्विसेज मैटर्स जो हैं उन पर केजरीवाल सरकार के प्रीव्यू से बाहर हैं, केजरीवाल सरकार उनके अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। तीसरी बात, कोई भी आदेश विधेयक जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली पास करती है उन्हें अप्रूवल के लिए केजरीवाल सरकार को एलजी के पास भेजना ही होगा। वहीं एलजी की ओर से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तीन साल में पहली बार मीडिया के सामने रूबरू हुए एलजी ने भी यही कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जांचते हैं, ना कि किसी आदेश को रोकने का काम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आपका पवन। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आज आवश्यकता है उनको 10 दिन के कॉन्स्टिट्यूशनल क्रैश कोर्स की, कि उसमें वो जाएं और कॉन्स्टिट्यूशन की क्या क्या मान्यताएं हैं, और बार बार इन कानून को तोड़ना, बार बार इन कानून की अवहेलना करना, बार बार अपनी मर्जी से शासन चलाना, तो आज का दिन ये अराजकता वर्सेस जो कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है उसके लिए एक बड़ी जीत है। ये पहली बात तो मैं, चलो केंद्र कर्मचारी बात, एसीबी तो स्टेट कर्मचारी के ऊपर भी नहीं कर सकती। भ्रष्टाचार के ऊपर हमें पता है कि पिछले लगभग एक साल से दिल्ली सरकार किसी के ऊपर कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकती है, तो उसमें मुझे लगता है इसके अंदर कोई ऐसा आया नहीं है। जो वर्स्ट है वही है, बस ये कि हम दिल्ली सरकार को बिल्कुल भी किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से रोका गया था और मुझे लगता है वो इसको उन्होंने अपील किया है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। अपना दायरे के बाहर जा करके किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करना वो ठीक नहीं है। अधिकार सबको मिला हुआ है और अपने अपने काम को ठीक से करे, निभाए, तो देश के लिए अच्छा है, दिल्ली के लिए भी अच्छा है। इस्लामाबाद में सार्क सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बताने के मामले पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा, आतंकी शहीद नहीं होते और न ही उनका महिमा मंडन किया जाना चाहिए। राजनाथ ने आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा, आतंकवाद की निंदा नहीं बल्कि उसका खात्मा जरूरी है। हैरान करने वाली बात यह रही कि सार्क सम्मेलन में राजनाथ सिंह के भाषण के दौरान मीडिया को कवरेज से रोक दिया गया। राजनाथ सिंह ने काबुल, ढाका और पठानकोट में हुए आतंकी हमलों का भी जिक्र किया। सार्क देशों के बाकी गृह मंत्रियों के साथ राजनाथ सिंह ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इसी बीच आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन की अगुवाई में राजनाथ सिंह के दौरे का विरोध किया गया। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी राजनाथ सिंह की यात्रा के विरोध में इस्लामाबाद में भूख हड़ताल पर बैठ गईं।
इस बीच कश्मीर पर पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ से झटका लगा है। यूएन ने साफ कर दिया है कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। यूएन ने कहा कश्मीर के मामले में कोई भी तीसरा पक्ष दखल नहीं देगा। पाक पीएम के सलाहकार सरताज अजीज ने यूएन को चिट्ठी भेजकर कश्मीर मुद्दे पर दखल की मांग की थी। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात के अगले मुख्यमंत्री का नाम आज तय हो सकता है और नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज अहमदाबाद पहुंचे। नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज सुबह अहमदाबाद पहुंचे। अमित शाह ने अपने घर पर पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात की। बीजेपी विधायक दल की बैठक भी जारी है, थोड़ी देर में नए नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि गुजरात की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर विपक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। ये फेलियर आनंदी बहन जी के 1.5-2 साल का नहीं है, ये पूरे 14 साल की सरकार की जो कुकर्म है वो आज सामने आ रहे हैं। एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बुखलाहट है जो दिखाई पड़ रही है। बीजेपी ने नितिन गडकरी और सरोज पांडे को गुजरात के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। गुजरात में नए मुख्यमंत्री की रेस में विजय रूपानी का नाम सबसे आगे है। विजय रूपानी गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष होने के साथ साथ गुजरात में कैबिनेट मंत्री भी हैं। गुजरात सरकार में मंत्री नितिन पटेल भी सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। केतन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। केतन, विधायक दल की बैठक क्या अभी भी जारी और किन नामों पर फिलहाल चर्चा की जा रही है? नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा। केतन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे। केतन, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है और आपका सवाल भी मैं समझ गया। अभी जो अमित शाह के घर है वो विधायक दल की बैठक नहीं चल रही है, लेकिन पार्टी आला कमान खासकर जो नितिन पटेल है, विजय रूपानी है और जो गुजरात के प्रभारी है दिनेश शर्मा, वो आए हैं यहाँ पर। और कल विधायक दल की एक बैठक मिलेगी और उसमें नया नेता का चयन होगा और जो नाम है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड को दिया जाएगा और फिर वहां से घोषणा होगी। इस तरह का कुछ क्रम अभी तय किया गया है। और सबसे आगे जो विजय रूपानी का नाम चल रहा था, उन्होंने कल ऐसा बयान दिया कि मैं पार्टी संगठन के लिए काम करना चाहता हूं, तो अब एक नाम प्रबल दावेदार बचे हैं, वो है नितिन पटेल। हालांकि ये सारी स्थिति कल साफ होगी जब विधायक दल की बैठक खत्म होगी और उसके बाद फैसला आएगा कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो कल दोपहर तक हमें राह देखनी होगी और तब तक नया नाम सामने आ सकता है। जी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए केतन आपका। राज्यसभा में संविधान संशोधन बिल पूर्ण बहुमत से पास होने के बाद जीएसटी को हकीकत में बदलने के लिए इसके रोडमैप पर काम शुरू हो गया है। सरकार जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू कराने की पूरी कोशिश कर रही है। इसके लिए सरकार जल्द ही जीएसटी काउंसिल का गठन करेगी। जीएसटी के लिए जरूरी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगभग तैयार है और सरकार का कहना है कि संसद के विंटर सेशन में जीएसटी बिल को पास कराने की पूरी कोशिश होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जीएसटी लागू होने से कई तरह के टैक्स हट जाएंगे जिससे ट्रेडर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जीएसटी लागू होने से ट्रेडर्स को फायदा होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक जीएसटी लागू करने के लिए रोडमैप तैयार है और संसद के विंटर सेशन में जीएसटी बिल पास कराने की पूरी कोशिश होगी और जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। वंस द जीएसटी इज रोल्ड आउट, डूइंग बिजनेस इन इंडिया वुड बी इजियर। इट वुड हेल्प अ वेरी लार्ज बॉडी ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेस पीपल, ऑल्सो द सिटीजन्स। अगर हम लंबे अरसे में देखें तो टैक्स रेट नीचे आएगा और अगर टैक्स रेट नीचे आता है तो स्वाभाविक है कि बहुत चीजें और वस्तुएं ऐसी होंगी जिसकी दाम कम हो सकते हैं। आगे जो रोडमैप है, हम लोग प्रयास करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र उसको पूरा करके जो प्रक्रिया चल रही है इसको लागू किया जाए। लोकसभा की दृष्टि से हम लोगों ने नोटिस दे दिया है क्योंकि कुछ जो अमेंडमेंट्स एडिशनल की हैं राज्यसभा ने वो लोकसभा में जानी होंगी। उसके बाद देश की 29 विधानसभाओं में यह जाएगा और जब वो स्थापित होगा तो काउंसिल की स्थापना करने के बाद
हमारा तो टारगेट होगा कि अगले सत्र में जो विशेष कानून लाने हैं उन कानूनों को हम संसद के समक्ष ले आए। सरकार ने जीएसटी लागू करने के लिए रोडमैप तैयार कर लिया है और इसके लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने की पूरी कोशिश है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू द लोकसभा एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज अ होल प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द स्टेट्स गेटिंग इट रेटिफाइड फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल एंड मेकिंग द बिल and so the whole process the entire road map has been laid out and it will be followed। स्टेट के जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स और सेंटर का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन दोनों में एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स अंडर द एजिस ऑफ एम्पावर्ड कमेटी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर कई सारे मुद्दे जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज है उसके ऊपर चर्चा जारी है। जीएसटी लेजिस्लेशन जो जीएसटी लॉ है वो तैयार है, उसको पब्लिक डोमेन में वेबसाइट में भी डाल दिया गया है। जब जीएसटी काउंसिल फॉर्म हो जाएगा तो इसको जीएसटी काउंसिल के सामने पेश करके इसको जीएसटी काउंसिल में अडॉप्ट करेंगे। आईटी बैकबोन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए भी डिटेल रोड मैप तैयार किया गया है। तो बहुत सारे काम है और बहुत सारे काम हो चुके हैं और 1/4/2017 से इसको लागू करने के लिए जो रोड मैप है वो तैयार है। तो चलिए अब आपको बता दें कि अब आगे क्या होगा, क्या रोड मैप रहेगा जीएसटी का। तो कम से कम राज्य 15 राज्यों की विधानसभा में पास किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद जीएसटी काउंसिल का गठन होगा और जीएसटी काउंसिल में केंद्र राज्य के प्रतिनिधि होंगे। जीएसटी काउंसिल ही इससे जुड़े कानून भी बनाएगी। जीएसटी काउंसिल रेवेन्यू न्यूट्रल रेट तय करेगा। जीएसटी काउंसिल रेवेन्यू न्यूट्रल रेट को तय करेगा और आरएनआर के बाद जीएसटी रेट का ढांचा तैयार किया जाएगा। जीएसटी रेट में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा तय किया जाएगा। राज्यों को भी अपना जीएसटी कानून पास करना होगा। नियमों का ब्यौरा नोटिफाई किया जाएगा और प्रशासनिक ढांचा और टेक्निकल सपोर्ट भी तैयार किए जाएंगे। तो जीएसटी में आगे क्या होगा, आइए हमने आपको बताया कि किस तरीके से जीएसटी रेट में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा भी तय होगा। अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो है वो क्या होगा ये जानिए। लोअर रेट सिफारिशों के आधार पर हम आपको बता रहे हैं 12% जरूरी चीजों पर और जो स्टैंडर्ड रेट है वो 17-18% और जो हाई रेट है लग्जरी आइटम्स पर 40%। आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, आपसे जानना चाहेंगे अब जीएसटी पास हो गया लेकिन आगे का रोडमैप की तैयारी क्या है? जी बिल्कुल, देखिए जीएसटी लागू करने की दिशा में इसे एक पहली बाधा कह सकते हैं जिसे सरकार ने कामयाबी के साथ पार किया है और इसके बाद जो अब आगे रोड मैप है वो जाहिर सी बात है सरकार के लिए काफ़ी मुश्किल भी होगा और क्योंकि 1 अप्रैल 2017 से जो डेडलाइन सरकार ने रखी है उसको पूरा करने के लिए सरकार को कई सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अगर आप प्रोसीजरल की बात करें तो प्रोसीजरल में अभी इस जो बिल पास हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल उसको लोकसभा से पास कराना पड़ेगा और हमारी जानकारी जो बता रही है उसके हिसाब से सोमवार को ये बिल लोकसभा में पास कराने के लिए आएगा जहाँ से आसानी से बिल पास हो जाएगा। उसके बाद इसको जो 29 राज्य हैं उनकी विधानसभाओं में भेजा जाएगा जहां से उन्हें कम से कम 50% यानी कि 15 विधानसभाओं से इसको पारित करा के लाना है और उम्मीद की जा रही है कि मॉनसून सत्र ज़्यादातर राज्यों में चल रहा है ऐसे में इस बिल को वहां से पारित भी कराया जा सकता है। साथ ही साथ जो आगे जो बिल्स होंगे जो जीएसटी का बिल होगा उसको नवंबर में सरकार लेके आएगी और कोशिश करेगी कि उसको फाइनेंस बिल के तौर पर या फिर मनी बिल के तौर पर उसको यहाँ पर से पास कराए। तो और साथ ही साथ जो सरकारी तंत्र है जहाँ पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साथ ही साथ तमाम जो अधिकारियों की फौज है उनको तैनात करनी है, रेवेन्यू बेस तैयार करना है, इन सब तमाम चीज़ों में काफ़ी मशक्कत लगने वाली है और जीएसटी जो एक कानून है अगर पूरे देश में 1 अप्रैल 2017 से लागू करना है तो इसके लिए सरकार को कह सकते हैं कि समयबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा तब जाकर ये बिल समय से लागू हो पाएगा। जी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए आलोक आपका। तो जीएसटी के लिए संविधान संशोधन बिल पास होने से रिटेल और ई कॉमर्स कंपनियां खुश हैं क्योंकि इससे इनकी एफिशिएंसी बढ़ने की उम्मीद है। रिटेल और ई कॉमर्स कंपनीज के लिए कामकाज करना आसान होगा और टैक्स के ऊपर टैक्स लगाने की परंपरा
खत्म होगी। फ्यूचर ग्रुप के ग्रुप सीईओ किशोर बियानी मानते हैं कि इससे लॉजिस्टिक कंपनियां, रिटेलर्स और कंज्यूमर गुड्स कंपनीज को काफी राहत मिलेगी। जबकि पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की राय है कि जीएसटी लागू होने से ई कॉमर्स कंपनियों के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में सामानों की आवाजाही आसान होगी। जब तक रेट नहीं आते जब तक ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती उस चीज़ पे, बट मैं समझता हूँ एक इंडिया को एक बहुत एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट समझना बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। एफिशिएंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लॉजिस्टिक्स, स्पीड ऑफ डिलीवरी, आई थिंक कॉम्प्लायंसेस कम होना, ये बहुत बड़ी चीज़ें मानी जाती है। और सेकेंडली जो कास्केडिंग इफेक्ट है वो भी जो टैक्सेस का होता है वो भी शायद कम होगा। और मैं समझता हूँ तीन बिजनेसेस है जिनको ये काफ़ी फायदा होगा, एक तो लॉजिस्टिक बिजनेस हुआ, एक रिटेल बिकॉज बिजनेस क्योंकि लास्ट लेग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और तीसरा बिजनेस है कंज्यूमर गुड बिजनेस, जहाँ पे मैं समझता हूँ भाव कम होंगे, प्राइजेस कम होंगे। अभी तक अगर आप देखें कि भारत देश एक है हम ये कहते थे, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में भारत देश एक नहीं था, हर प्रदेश की अपनी टैक्सिंग और अपना एंट्री और एग्जिट था। तो चाहे हम उसको एक संप्रभुत्वता के क्षेत्र में माने और हमारी एक आर्मी है, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में हर स्टेट की अलग अलग आर्मी थी। जब घुसते थे तो आपको वहाँ पे ट्रक ने रोक लिया है, आपका सामान 5,000 रुपये ज़्यादा का है आप पहले डिक्लेरेशन दीजिए। अब भारत एक अब कंप्लीट सेंस में एक भारत बना बिजनेस के लिए। तो मेरे लिए तो ये मानना है कि जीएसटी इस देश की हिस्ट्री बुक में जैसे भारत एक बना था, जैसे हमारे लिए सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने भारत को एक तरह से बनाया था, उसी तरीके से मोदी साहब ने भारत को एक बना दिया।